हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ पंकज धीमान, फैकल्टी मेंबर ऑफ SBS लॉ कॉलेज श्रीगंगानगर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द लीगल राइटिंग एंड जनरल इंग्लिश, लीगल लैंग्वेज राइटिंग एंड जनरल इंग्लिश। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास कुछ पेयर्स ऑफ वर्ड हैं, ऐसे वर्ड्स जिनकी प्रोनाउंसिएशन तो ऑलमोस्ट सेम होती है या थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, लेकिन इनके मीनिंग जो हैं वो अलग अलग निकलते हैं। तो हम जो है यहाँ पे अब जनरल इंग्लिश की जो हमारी वोकेबुलरी है इसको थोड़ा सा इन्हेंस करेंगे, शब्दकोश को बढ़ाएंगे, और यहाँ पे पेयर्स ऑफ वर्ड हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग को यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश जो है करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले वर्ड है हमारे पास अफेक्ट एंड इफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है इन्फ्लुएंस, कुछ असर होना, कुछ प्रभाव पड़ना। इफेक्ट का मतलब भी कोई ना कोई असर ही होता है, कोई ना कोई प्रभाव होता है। हिज टीचिंग हैव नो इफेक्ट ऑन द पब्लिक एट लार्ज, उसकी टीचिंग का लोगों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। या फिर एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हॉट वेदर अफेक्टेड आर हेल्थ, जो बहुत ठंडा मौसम होता है जो हमारी हेल्थ को जो है अफेक्ट करता है। तो अफेक्ट और इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम वर्ड है, दोनों का मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ना, कुछ ना कुछ असर जो है होना। सेकेंड आपके पास यहाँ पे बर्थ, द प्लेस फॉर स्लीपिंग स्पेशली इन द शिप और अ ट्रेन। तो जो ट्रेन होती है वहाँ पे आपके लिए जो सीटें बनी होती हैं और उसके ऊपर भी कुछ सीट्स होती हैं जो कि स्लीपिंग सीट्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं बर्थ। और एक बर्थ और होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं जन्म, ठीक है, द ओरिजिन, बिगिनिंग, कमिंग इन टू द वर्ल्ड। तो जिस दिन आप इस दुनिया में आते हैं उसको बोलते हैं बर्थ। माई डेट ऑफ बर्थ इज़ 21 नवंबर 1942, ऐसा एग्जाम्पल आप जो है दे सकते हैं। बॉर्न एंड बॉर्न, तो ऑलमोस्ट प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग दोनों के क्या है अलग है। बॉर्न क्या होता है, ब्रॉट फोर्थ, जन्मा हुआ, जब पैदा हुआ। ही वॉज बॉर्न ऑन द रिपब्लिक डे, जिस दिन जन्म होता है उसको हम बोलते हैं बॉर्न डे। और बॉर्न जब आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेते हो तो हम उसको बोलते हैं बॉर्न। ही हैड बॉर्न हिज ऑल एक्सपेंसेस, हमारे जितने भी खर्चे हैं उसने उठाए। जब आप कोई चीज़ खुद करते हैं, जब आप दूसरों का कोई काम उठा लेते हैं तो उसको बोलते हैं बॉर्न। तो बॉर्न होता है कैरिड, सपोर्टेड, पास्ट प्रिंसिपल ऑफ बेयर, या बॉर्न का मतलब होता है। तो एक होता है बॉर्न, BORN, और दूसरा होता है BORNE। तो बॉर्न का मतलब होता है जन्म, पैदा होना, और बॉर्न का मतलब है जब आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। नेक्स्ट आपके पास ब्रेक एंड ब्रीक, तो ऑलमोस्ट प्रोनाउंसिएशन सेम है। ब्रेक का मतलब क्या होता है, जब आप जो व्हील होते हैं, जो चक्के होते हैं, उनके मोशन को चेक कर देते हैं, रोक कर देते हैं। जैसे आप जो है अप्लाई द ब्रेक टू योर व्हीकल, तो हम गाड़ी को जब जो है स्लो करना चाहते हैं तो हम क्या लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं, BRAKE। तो ब्रेक, हम नेक्स्ट ब्रेक हमारे पास वो होता है टू ब्रीक, जिसका मतलब टूट जाना, टू ब्रीच, एंड इंटरप्शन, टू डिस्ट्रॉय, कोई चीज़ जब टूट जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेक। तो ब्रेक और ब्रीक, ब्रेक का मतलब होता है व्हील की जो मोशन होता है उसको जो है चेक कर देना, रोक देना। ब्रेक का मतलब हो जाता है कुछ ना कुछ टूट जाना। कैनन, कैनन का मतलब होता है एथिकल रूल्स, रूल्स ऑफ लॉ। तो आशिमा इज अ कैनन ऑफ जैनिज्म। तो जो आपका कोई प्रिंसिपल होता है, आपकी कोई सोच होती है, उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, कैनन बोलते हैं। कैनॉन भी होता है जिसका मतलब होता है बिग गन, तो जो तोप होती है उसको हम बोलते हैं कैनन। द कैनन इज़ अ डेंजरस वेपन, तो कैनन जो तोप जो होती है वो एक डेंजरस वेपन होता है। कैनन क्या होता है, कोई सिद्धांत होता है, CANON क्या होता है, सिद्धांत होता है, जिसको बोलते हैं कोई प्रिंसिपल होना। तो जैसे आशिमा इज़ अ कैनन ऑफ जैनिज्म, तो अहिंसा जो है, सॉरी आशिमा नहीं, अहिंसा जो है वो प्रिंसिपल है जैनिज्म का, मेन सिद्धांत है जैनिज्म का। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे कास्ट एंड कास्ट, एक कास्ट है जिसमें CASTE कास्ट, जिसको बोलते हैं जाति, वर्ण या कुल। एक होता है कास्ट, कास्ट का मतलब होता है फेंकना या गिराना। तो CASTE कास्ट इसका मतलब होता है जाति। तो अलग अलग जातियाँ होती हैं, जैसे कोई ब्राह्मण जाति से बिलोंग करता है, कोई राजपूत जाति से बिलोंग करता है, अलग अलग जातियाँ होती हैं। एक होता है कास्ट, जब आप किसी चीज़ को फेंकते हो या फैलाते हो, जैसे जो फिशरमैन होता है, मछली पकड़ने वाला होता है, वो अपने जाल को क्या करता है, अपने नेट को क्या करता है, कास्ट करता है, फैलाता है। जैसे एग्जाम्पल आपके पास, द हंटर कास्ट हिज नेट। आगे है कॉप्स एंड कॉप्स, तो कॉप्स जो है पहला वाला कॉप्स, CORPS, इसको बोलते हैं कोई सेना या पलटन, उसको बोलते हैं कॉप्स। दूसरा कॉप्स होता है CORPSE कॉप्स, जिसको बोलते हैं डेड बॉडी, जो लाश होती है उसको बोलते हैं कॉप्स, स्पेलिंग है CORPSE। और एक कॉप्स होता है जिसका मतलब होता है कोई पलटन या फिर
कोई भी सेना का भाग। नेक्स्ट आपके पास कॉर्पोरल और कॉर्पोरल। कॉर्पोरल का मतलब होता है जो शरीर से संबंधित हो, जिसको आप टच कर सकें। तो कोई भी कॉर्पोरल पनिशमेंट, जैसे एग्जांपल आपके पास अ कॉर्पोरल पनिशमेंट इज़ नॉट सफिशिएंट टू करेक्ट द एक्यूज और ऑफेंडर। तो किसी अपराधी को सुधारने के लिए हमेशा शारीरिक दंड ही जरूरी नहीं है। तो कॉर्पोरल क्या होता है? शारीरिक। कॉर्पोरल, दूसरा कॉर्पोरल होता है CORPORAL। कॉर्पोरल बॉडी, ये भी बॉडी शरीर से रिलेटेड ही होता है। आर बॉडी आर कॉर्पोरल बट सॉल इज ए मॉर्टल। तो हमारी जो शरीर है वो कॉर्पोरल है, नश्वर है, ख़त्म होने वाला है, और जो हमारी सोल है, आत्मा है, वो मॉर्टल है, वो अनश्वर है, कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो नश्वर और अनश्वर, तो नश्वर को बोलते हैं कॉर्पोरल। नेक्स्ट आपके पास कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। देखिए स्पेलिंग में फ़र्क है, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? पहले वाले का, दैट विच कम्प्लीट्स। अगर कोई चीज़ पूरी हो जाती है, कम्प्लीट हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। जैसे ही हैज़ जस्ट रिटन अ बुक टू द कॉम्प्लीमेंट हिज ओल्ड बुक। अपनी पुरानी वाली बुक को ख़त्म करने के लिए उसने ये बुक ख़त्म की है। सेकेंड आपके पास कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कोई रिमार्क देना, प्रशंसा करना। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का मतलब प्रशंसा करना। आई सेंट माई कॉम्प्लीमेंट्स ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज और सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। तो जब आप किसी की सफलता के लिए उसको जो प्रशंसा करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्स बोलते हैं। स्पेलिंग का फर्क है। एक कॉम्प्लीमेंट होता है जहाँ पे आप किसी काम को पूरा करते हैं, और एक कॉम्प्लीमेंट होता है जिसमें स्पेलिंग में फ़र्क है, उसको बोलते हैं किसी की प्रशंसा करना। सेशन और सेशन, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेशन ही है, CESSION, और दूसरा सेशन है SESSION। तो सेशन का मतलब होता है परित्याग कर देना, छोड़ देना, yielding, giving up। जब आप अपना कोई राइट छोड़ देते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? सेशन बोलते हैं। जैसे इंडिया कुड नॉट एग्री टू द सेशन ऑफ हर टेरिटरी डिमांडेड बाय द चाइना। चाइना और पाकिस्तान इंडिया से जो टेरिटरी मांगते हैं, इंडिया कभी भी उसका परित्याग नहीं करेगा। और सेशन होता है टर्म, ड्यूरेशन, पीरियड। तो इस यहाँ पे क्या होता है? किसी ना कोई टाइम होता है, कोई पीरियड होता है, उसको हम बोलते हैं सेशन जो है बोलते हैं। नेक्स्ट है, तो जैसे पार्लियामेंट का नेक्स्ट सेशन जो है वो आने वाला है, जिसको मॉनसून सेशन हम बोलते हैं। आगे है कोर्स एंड कर्स। तो ऑलमोस्ट सेम है, कोर्स CORSE, कॉमन, इन्फीरियर, रफ। तो कोई भी चीज़ जो रफ हो, इतनी मुलायम ना हो, उसको हम बोलते हैं कोर्स। जैसे टावल जो होता है वो कोर्स क्लॉथ होता है। और दूसरा होता है कोर्स। कोर्स क्या होता है? कोई पाठ्यक्रम। दिस बुक और सब्जेक्ट इज़ नॉट इन आ कोर्स। तो ये जो बुक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, हमारे कोर्स में नहीं है। तो ये कोर्स एक होता है रफ जो होता है, रूड जो होता है, और दूसरा कोर्स जो होता है जो कोई सिलेबस या पाठ्यक्रम जो होता है। नेक्स्ट है सीज एंड सीज। तो सीज क्या होता है? रोक देना, डिजिस्ट कर देना, कम टू एंड, किसी को ख़त्म कर देना। द कस्टमरी लॉ ऑफ द सक्सेशन हैज सीज्ड टू द ऑपरेटिव आफ्टर द हिंदू सक्सेशन। जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट हमारे पास आया, हमारे जो कस्टमरी लॉ थे वो सीज हो गए, वो रुक गए, सारे ख़त्म हो गए, स्टॉप हो गए, फिनिश हो गए। सीज का मतलब जब्त कर लेना था। जैसे आपके पास अगर RC नहीं है, रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल नहीं है, तो आपके जो व्हीकल होता है उसको क्या कर लिया? सीज कर लिया था, जब्त कर लिया था। द ओपियम हैज़ बीन सीज्ड बाय द ऑफिशियल्स ऑफ द नारकोटिक डिपार्टमेंट। तो जो नारकोटिक डिपार्टमेंट है, उसने जो ओपियम अफीम है, उसको क्या कर लिया? जब्त कर लिया। नेक्स्ट आपके पास डिसेंट एंड डिसेंट। ऑलमोस्ट स्पेलिंग सेम है। डिसेंट का DECENT, डिसेंट, जिसका मतलब होता है फाइन, गुड लुकिंग, रिस्पेक्टेबल, जो अच्छा है। कमला इज अ डिसेंट लेडी, जो अच्छी है, एक अच्छी लेडी है। दूसरा होता है डिसेंट, जब आप किसी चीज़ से असहमत हो जाते हैं, जिसका आप अपोज करना स्टार्ट कर देते हैं, कोई डिस्प्यूट उस पर हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डिसेंट। तो डिसेंट और डिसेंट, ये दोनों प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इनके मीनिंग जो है अलग अलग है। डिवाइस और डिवाइस। डिवाइस का मतलब होता है कोई उपाय या कोई युक्ति करना। दोनों का ही मतलब यहाँ पे डिवाइस का होता है, कोई ना कोई स्कीम, कोई ना कोई इन्वेंशन या कोई ना कोई उपाय जो होता है, उसको डिवाइस बोला जाता है। इलिसिट है। इलिसिट का मतलब होता है निकालना। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू इलिसिट। कोई चीज़ आप बाहर निकालते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन जैसे आप बाहर निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं इलिसिट। और दूसरा इलिसिट आपके पास होता है गैर कानूनी, अनलॉफुल, फॉरबिडन। इलिसिट रिलेशनशिप विद द मैरिड वुमेन इज़ पनिशेबल अंडर लॉ। तो अगर कोई भी गैर कानूनी रिलेशन किसी मैरिड वुमेन के साथ बनाए जाते हैं, तो वो पनिशेबल ऑफेंस है। एक्साइट और इनसाइट। एक्साइट का मतलब क्या होता है? प्रवोक करना,
किसी को उत्तेजित करना, इनसाइट का मतलब ये होता है किसी को उकसाना, उत्तेजित जो है करना, लेकिन स्पेलिंग में फ़र्क है, एक होता है एक्साइट और दूसरा है इनसाइट, दोनों का ही मतलब क्या है, किसी को उत्तेजित करना, उकसाना। नेक्स्ट आपके पास गोल एंड गोल, तो एक गोल होता है जेल, जेल को गोल भी बोला जाता है, द मर्डर हैज़ बीन सेंट टू द जेल, टू द गोल आप बोल सकते हो। दूसरा गोल होता है कोई एम, कोई पर्पस, कोई डेस्टिनेशन, जैसे किसी का गोल होगा माई गोल इज़ टू बिकम अ जुडिशियल ऑफिसर, आप ऐसे लिख सकते हैं, हिज गोल ऑफ लाइफ इज़ टू बी सर्व द पब्लिक एट लार्ज, उसका जिंदगी का उद्देश्य क्या है, लोगों की, आम जनमानस की क्या है, सेवा करना है। एक होता है ह्यूमन और एक है ह्यूमन, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। ह्यूमन क्या होता है, मानवीय, द मदर टेरेसा वाज डेडिकेटेड टू ह्यूमन वेलफेयर, तो मदर टेरेसा जो थी उसका ने अपना सारा जीवन लोगों की सेवा में लगा दिया, मानवीय सेवा के लिए, मानवीय कल्याण के लिए लगा दिया। दूसरा होता है ह्यूमन, दयालु, जो पर्सन दयालु होता है उसको ह्यूमन बोला जाता है, ऑलमोस्ट स्पेलिंग यहाँ पे, सॉरी जो प्रोनाउंसिएशन सेम है, ह्यूमन एंड ह्यूमन, तो एच यू एम ए एन ई का मतलब होता है बेनवोलेंट, कॉम्पेंशनेट, जो काइंड होता है, टेंडर होता है, जो दयालु होता है। इंजंक्शन, इंजंक्शन और इंजेक्शन, तो इंजंक्शन क्या होता है, कोर्ट का ऑर्डर होता है जिससे किसी काम को रोका जाता है या कोई काम करने के लिए बोला जाता है। एग्जांपल आपके पास ये है, तो कोई जब भी आपने कोर्ट से इंजंक्शन लेना हो तो तीन चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, आपने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में, प्राइमा फेसाई केस, बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस एंड इरिपेरेबल लॉस। तो इंजंक्शन कोर्ट का ऑर्डर होता है किसी काम को करना या किसी काम को नहीं करने के लिए। इंजेक्शन क्या होता है, तो इंजेक्शन क्या होता है, जब किसी सिरिंज के थ्रू, सुई के थ्रू जो है फ्लूइड जो होता है, दवा जो होती है आपके शरीर में जो है डाली जाती है, तो इसको बोलते हैं, जैसे एग्जांपल आपके पास इंजेक्शन, स्पेलिंग में फ़र्क है, एक है इंजंक्शन और एक है इंजेक्शन, तो दोनों में फ़र्क है। यहाँ पे इंजेक्शन इज़ बीइंग ट्रीटेड एज बेस्ट ट्रीटमेंट इन द गांव में, टीका लगाना ही जो है बेस्ट ट्रीटमेंट जो है मानी जाती है। आगे है इंटेंशन एंड इंटेंशन, तो ऑलमोस्ट सेम है, इंटेंशन का मतलब होता है कोई पर्पस, कोई एम, कोई आशय, कोई अभिप्राय। इंटेंशन इज द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ कन्विक्ट पर्सन फॉर अ थिफ्ट, तो कोई भी क्राइम करने के लिए इंटेंशन जो है बहुत ज़रूरी है, आशय बहुत ज़रूरी है। दूसरा होता है इंटेंशन, इंटेंसिटी, हाई डिग्री ऑफ क्वालिटी, जिसमें बड़ी सारी क्वालिटीज़ हों उसको बोलते हैं इंटेंशन, तो वहाँ पे टी आई ओ एन है, यहाँ पे एस आई ओ एन है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है लेजिस्लेचर, तो लेजिस्लेचर क्या होता है, जो कानून को बनाता है, वन हु मेक्स द लॉ, तो लेजिस्लेचर मेक्स द लॉ, आप ऐसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और दूसरा है लेजिस्लेचर, एक होता है लेजिस्लेटर, सॉरी यहाँ पे लेजिस्लेटर था, तो लेजिस्लेटर कौन है, हु मेक्स द लॉ, और दूसरा होता है लेजिस्लेचर, तो लेजिस्लेचर कौन होता है, लेजिस्लेटिव बॉडी, अ मेन फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर इज टू इनेक्ट द लॉ, तो लेजिस्लेचर बॉडी जो है, जैसे हमारे पास स्टेट असेंबली होती है, पार्लियामेंट होती है, उनको क्या बोलता है, लेजिस्लेचर बॉडी। एक होता है लायर और दूसरा है लॉयर, तो ऑलमोस्ट सेम थिंग है, लायर कौन होता है, झूठा, जो अनट्रूथ बोलता है, जो झूठ बोलता है, जो गलत बोलता है। लॉयर कौन होता है, जिसके पास लॉ की डिग्री होती है। लाइसेंस एंड लाइसेंस ऑलमोस्ट सेम है, लाइसेंस क्या होता है, परमिशन, और लाइसेंस का मतलब क्या होता है, अथॉरिटी, परमिशन जो आपको मिलती है, लेकिन स्पेलिंग में थोड़ा सा फ़र्क है। ऑर्डिनेंस, कोई भी कानून जो है, कोई भी डायरेक्शन, कोई भी ऑर्डर जब गवर्नमेंट देती है तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेंस, तो कानून बनाने का काम किसका है, वो है असेंबली का, लेजिस्लेचर असेंबली का, लेकिन वो ना बना के जब गवर्नमेंट कोई लॉ या ऑर्डर बनाती है तो उसको हम ऑर्डिनेंस बोलते हैं। दूसरा ऑर्डिनेंस क्या होता है, जहाँ पे गन बनाई जाती हैं, आयुध डिपो जो होता है, देर आर सो मैनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में बड़ी सारी आयुध की फैक्ट्री हैं या फिर तोपखानों की फैक्ट्रियाँ हैं। एक प्रोसिक्यूट और दूसरा है प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूट क्या होता है, हरास करना, किसी को परेशान करना, पीड़ा पहुंचाना, तो रेशियल प्रोसिक्यूशन इज़ अगेंस्ट द ह्यूमन वैल्यू, तो मानवीय सिद्धांतों के अगेंस्ट है आपके ये रेशियल प्रोसिक्यूशन, किसी को हरास करना। एक होता है प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूट होता है किसी के अगेंस्ट जो है अभियोजन चलाना, कोई लीगल प्रोसीडिंग किसी पर्सन के अगेंस्ट स्टार्ट कराना, जैसे क्रिमिनल केसेस में प्रोसिक्यूट किया जाता है किसी पर्सन को जिसने क्राइम किया होता है। एक प्रोसिक्यूट, किसी को परेशान करना, हरास करना, दूसरा प्रोसिक्यूट, किसी के अगेंस्ट जो है अभियोजन चलाना या लीगल प्रोसीडिंग चलाना। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, तो हर इंसान के अपने अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं। दूसरा प्रिंसिपल होता है जो कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है, उसको भी प्रिंसिपल बोला जाता है, लेकिन दोनों की स्पेलिंग जो है आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे
प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस क्या होता है, आपकी कोई आदत, जैसे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो जो आप अभ्यास करते हैं वो आपको क्या बनाता है, परफेक्ट बनाता है। दूसरा होता है प्रैक्टिस, अभ्यास करना, उद्यम करना। तो अगर कोई काम आप बड़े टाइम से करते आ रहे हैं, तो जैसे कोई हम कस्टम फॉलोअप करते आ रहे हैं, तो हम उसको भी बोलते हैं कि ये जो कस्टम जो है प्रैक्टिस में है। दूसरा प्रैक्टिस होता है जो अभ्यास करना या फिर कोई उद्यम करना। नेक्स्ट है पीस एंड पीस। तो एक पीस होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी थिंग का कोई जो पोर्शन होता है उसको हम पीस बोलते हैं। आई परचेज अ पीस ऑफ क्लॉथ फ्रॉम द मार्केट। मैंने एक जो है कपड़े का टुकड़ा जो है मार्केट से खरीदा। दूसरा पीस होता है PEACE, शांति। तो आई वॉन्ट टू लिव इन पीस, तो मैं जैसे जो है शांति में जीना चाहता हूँ। दोनों पीस, एक पीस किसी थिंग का टुकड़ा और दूसरा जो पीस जो है शांति, लेकिन स्पेलिंग में दोनों में फ़र्क है। क्वाइट एंड क्वाइट। क्वाइट का मतलब क्या होता है, सर्वथा, सब कुछ। कमला इज़ क्वाइट वेल नाउ, अब वो बिल्कुल ठीक है। जब आप बिल्कुल ठीक होते हैं या सब कुछ ठीक होता है तो उसको बोलते हैं क्वाइट। और दूसरा होता है क्वाइट, जो कि शांत रहता है, बिल्कुल चुप रहता है। चिल्ड्रन डू नॉट कीप क्वाइट, बच्चे जो है चुप नहीं हो रहे हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है। रेशनल एंड रेशनल, तो दोनों में स्पेलिंग में फ़र्क है, वहाँ पे ई लगा हुआ है, वहाँ पे ई नहीं लिखा हुआ है। तो रेशनल का मतलब होता है कोई भी तर्क। तो इक्विटी जैसे गुड कंसाइंस का कंसेप्ट जो है रैशनल के प्रिंसिपल के बेसिस पे है, और दूसरा रैशनल जिसको हम क्या बोलते हैं, मौलिक तर्क या कोई भी तर्क जो होता है। तो रैशनल और रेशनल दोनों स्पेलिंग में फ़र्क है, लेकिन मीनिंग ऑलमोस्ट दोनों का सेम है। एक होता है रेम्यूनरेट और एक होता है रेम्यूनरेट का मतलब जनरल क्या होता है, जब आपको किसी काम के लिए जो है पैसा मिलता है, आपको भत्ता मिलता है, आपको सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, तो उसको हम रेम्यूनरेट बोलते हैं। और एक रेम्यूनरेट अलग होता है, एक रेन्यूमरेट होता है, एक होता है रेम्यूनरेट। द रेन्यूमरेट का मतलब होता है फिर से गणना करना। तो अगर काउंटिंग में कोई गलती हो गई है, आप फिर से उसकी गणना कर रहे हैं, जैसे इलेक्शन में कई बार वोट काउंट करने में गलती हो जाती है, तो फिर से जो हम उनको काउंट करते हैं उसको बोलते हैं रेन्यूमरेट। और रेम्यूनरेट का मतलब होता है, एम जहाँ पे लगा हुआ है उसका मतलब होता है किसी तरीके की पेमेंट फॉर द सर्विस। राइट एंड राइट, तो राइट क्या होता है, आपका अधिकार होता है, आपका क्लेम होता है। तो जैसे आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपका एक फंडामेंटल राइट है। दूसरा होता है राइट, कोई कस्टम, कोई रिलीजियस सेरेमनी। तो हमारे यहाँ पे बड़ी सारी रिलीजियस सेरेमनीज भी होती हैं, रीतियाँ भी होती हैं, रिवाज भी होते हैं, उनको हम राइट बोलते हैं, RITE। और दूसरा होता है RIGHTS, राइट्स। नेक्स्ट आपके पास स्टैट्यू एंड स्टैट्यूट। तो ऑलमोस्ट ये है स्टैट्यू एंड स्टैट्यूट। तो स्पेलिंग ऑलमोस्ट स्पेलिंग जो डिफरेंट है, लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट। स्टैट्यू क्या होता है, कोई मूर्ति। तो किसी ह्यूमन की या किसी एनिमल की जब आप इमेज बना देते हो किसी पत्थर पे, मार्बल पे, तो हम उसको स्टैच्यू बोलते हैं। स्टैट्यूट का मतलब होता है कोई भी लॉ पास बाय द लेजिस्लेचर। तो ये भी कानून होता है जो कि लेजिस्लेचर पास करता है। सोल एंड सोल, तो सोल क्या होती है, आत्मा। तो आत्मा को हम क्या बोलते हैं, सोल बोलते हैं। सोल इज इमोरल, कभी ना ख़त्म होने वाली। आत्मा क्या होती है, अनश्वर होती है, कभी ना ख़त्म होने वाली होती है। दूसरा सोल, वन एंड ओनली, मतलब इसका कोई और ऑप्शन आपके पास ना हो, तो उसको हम बोल सकते हैं शी इज़ द सोल सक्सेसर ऑफ इस प्रॉपर्टी। तो वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस है, तो उसको बोलते हैं इकलौता, जो सोल होता है, इकलौता जो होता है उसको बोलते हैं सोल। आगे है सिमेट्री और सिमेट्री। तो सिमेट्री में एस और सी में फ़र्क है। सिमेट्री का मतलब होता है जो आपको प्रोपोर्शन में, कोई भी चीज़ आप प्रोपोर्शन में देते हैं तो हम उसको सिमेट्री बोलते हैं। दूसरा सिमेट्री होता है कब्रिस्तान। तो कब्रिस्तान जो होता है उसको सिमेट्री, CEMETERY जो है बोलते हैं। सेकंड आपके पास यूनैनिमस। यूनैनिमस क्या होता है, जब किसी पर्सन को बिना इलेक्शन के सभी की सहमति से ही उसका चुनाव जब हो जाता है उसको बोलते हैं यूनैनिमसली, सर्वसम्मत से, एकमत से, ऑल ऑफ वन माइंड, सभी जब एक ही बात पे सहमत होते हैं। ही वॉज इलेक्टेड यूनैनिमस, मतलब वो बिना सर्वसम्मति से चुना गया। दूसरा होता है एनोनिमस। एनोनिमस क्या होता है, गुमनाम। आई रिसीव्ड एनोनिमस कंप्लेंट, जब जो है गुमनाम कंप्लेंट आपको मिलती है जहाँ पे ये बोला गया। तो एनोनिमस क्या होता है, गुमनाम। यूनैनिमस क्या होता है, सर्वसम्मति से। वकेशन क्या होता है, छुट्टियाँ, हॉलीडे जो आपको पड़ती हैं, जैसे द विंटर वकेशन हैज़ बीन स्टार्टेड नाउ, जैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं। दूसरा होता है आपके पास वोकेशन। वोकेशन क्या होता है, आपका कोई पेशा, कोई व्यवसाय, कोई प्रोफेशन, कोई एम्प्लॉयमेंट, कोई ऑक्यूपेशन, उसको हम वोकेशन बोलते हैं। तो वकेशन एंड वोकेशन। दूसरा है वेन एंड वेन। तो ऑलमोस्ट स्पेंडिंग जो है सेम है। वेन का मतलब होता है एम्प्टी, जिसका कोई मतलब ना। ऑल हिज एफर्ट्स प्रूव्ड वेन, जिसके सारे जो एफर्ट्स थे, जो उसकी कोशिश थी, बेकार गई, व्यर्थ गई। दूसरा होता है वेन, जो शरीर की नाड़ी होती है उसको हम बोलते हैं वेन। तो
जिसको हम बोलते हैं वेसल्स, जो शरीर के जो नाड़ी जो होती है। नेक्स्ट आपके पास विलिंग एंड विलफुल। तो विलिंग क्या होता है? इच्छुक। और विलफुल क्या होता है? स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से। हर विलफुल नेचर कैन नेवर बी अप्रिशिएटेड, उसकी जो अपनी इच्छा उसको कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया गया। विलिंग क्या होता है? आप इच्छुक, अगर आप किसी चीज़ के इच्छुक हैं तो उसको हम बोलते हैं विलिंग। तो ये आपके पास कुछ इंग्लिश, जनरल इंग्लिश के वर्ड हैं, जिससे आपकी वोकेबलरी थोड़ी सी इन्हेंस होगी। थैंक यू सो मच।